जिले चल रहे हैं। अरे कम से कम कोई भी चीज करने से पहले उसके बारे में विचार गहनता से विचार किया जाता है, धरातल पे दिखना चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज राजस्थान की जनता ने ये चीज तय कर दिया कि चार साल की सरकार को, एक साल की सरकार को स्वीकार नहीं करते, वो केवल पांच साल की सरकार को स्वीकार करते। एक बार फिर से रोशन का रुख कर लेते हैं, कालीचरण सराफ उनके साथ लगातार बने हुए थे। रोशन अभी क्या अपडेट आपके पास? देखिए बिल्कुल, मैं हवामहल सीट को लेकर अपडेट देने की कोशिश करूंगा। छह राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो गई है हवामहल सीट से। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं आरआर तिवाड़ी, वो 16,095 वोटों से आगे चल रहे हैं। सातवीं राउंड की गिनती यहां पर जारी है। इसी के साथ साथ में कोटपुतली अगर सीट की बात की जाए तो पांचवें राउंड के अंदर हंसराज जो पटेल है उन्होंने बढ़त बनाई है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, वर्तमान में मंत्री हैं राजेंद्र यादव, वो हमारे साथ मौजूद है। राजेंद्र जी क्या कुछ कहेंगे? पहले राजेंद्र यादव ने बढ़त बनाई, लेकिन अब जो हंसराज, जो अभी पोलिंग खुलने दो, आगे आने वाले टाइम में 10,000 से ज्यादा से लीड ले, कितने आश्वस्त हैं आप? मैं तो 100% आश्वस्त, टेंशन मत करो। बिल्कुल, कांग्रेस की बात की जाए क्या कुछ स्थिति है? कांग्रेस की ओवरऑल स्थिति ठीक है, अभी पहले रुझान आए, अभी रुझान आने दो, कांग्रेस की ही सरकार बने। तो देखिए रविंद्र, ये हमारे साथ थे राजेंद्र यादव। मैं बताने की कोशिश करूंगा, अगर कोटपुतली सीट की बात की जाए तो अब तक जो कोटपुतली सीट के ऊपर जो इससे पहले और दूसरे राउंड के अंदर राजेंद्र यादव आगे चल रहे थे, उसके बाद में हंसराज जो पटेल है उन्होंने बढ़त बनाई है। रविंद्र ठीक है, रोशन आपका फिलहाल शुक्रिया, आगे अपडेट के लिए आपका रुख करेंगे। लेकिन एक बार फिर हम अलका गुर्जर जी का रुख करते हैं। अलका जी, हालांकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अलग होते हैं, लेकिन चूंकि ये जो चुनाव होते हैं राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ से, लोकसभा चुनावों से 3-4 महीने पहले ही होते हैं। अगर 2004 से हम स्थिति देखें, 2003 में दिसंबर में चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसके बाद हुए थे, तो सत्ता का सेमीफाइनल इनको कहा जाता है। और अभी जो रुझान आ रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हिंदी बेल्ट का जैसा जिक्र कर रहे हैं, तो क्या आपको नजर आ रहा है 2024 के संदर्भ में? 2024 में तो और बम्पर जीत हम यहाँ हासिल करेंगे हिंदी बेल्ट में। और जैसे बहुत अच्छी बात पोदार साहब ने अभी कही कि ये दर्शाता है कि जनता ने परिवारवाद और जो ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टीज हैं इनको पूरी तौर से नकार दिया है। ये फ्रीबीज का लालच देकर जो ये जनता को भरमाने का प्रयास करते हैं, और जो 4.5 साल काम नहीं करके लास्ट के 6 मंथ्स में घोषणावीर जो बनते हैं उनको पूरी तौर से जनता नकार चुकी है। और ये लोकतंत्र के लिए भी शुभ है और राजस्थान के लिए और उत्तर भारत के लिए भी शुभ है। निश्चित रूप से 2024 में तो हम और बम्पर जीत लेकर आएंगे। लेकिन अलका जी, जो हवा महल के अभी रुझान आ रहे हैं वो मुफीद नहीं कहे जा सकते हैं बीजेपी के लिए। बाल मुकुंद आचार्य को भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर उतारा था, कुछ बदलाव किया उस सीट पर, लेकिन उसके बावजूद यहां पर जो रुझान है वो बीजेपी के पक्ष में तो नहीं दिख रहे हैं अभी तक। देखिए कुछ सीटों में इस तरह का हुआ है, वो समीक्षा का विषय है जी। लेकिन ओवरऑल हम मेजोरिटी लेकर आ रहे हैं और राजस्थान में हम सुशासन की सरकार लेकर। अच्छा निरंजन जी, एक टिप्पणी ये है कि 10:30 बजे का के बाद में जो रुझान जिस तरीके से आगे बढ़ते हुए 12:30 बजे का वक्त, और क्या हम इस ट्रेंड को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं या फिर इसमें बदलाव अभी हो सकते हैं? आपका अनुभव क्या कह रहा है? मेरा अनुभव ये बात कह रहा है हेमंत जी, जिस तरीके से हमने पिछले 15-10 वर्षों के अंदर जो राजनीति का पैटर्न देखा है उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर थोड़ा मोड़ा 19-20 का कुछ परिवर्तन हो सकता है। बाकी आप ये सोचें कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन इसके अंदर आ जाएगा वो बिल्कुल संभव अभी तो नहीं। 10:30 ही बज रहे हैं। नहीं 10:30 तो बज रहे हैं, लेकिन जो शुरुआती जो ट्रेंड होता है वो देखिए ऐसा है। मैं आपको एक सवाल मैं जरूर करता आपसे, लेकिन चूंकि इस वक्त एक जानकारी के जरिए अपने दर्शकों को सीधा राजस्थान विधानसभा के बाहर लेकर चलते हैं, जहां पर एक भव्य सेट News18 राजस्थान की तरफ से लगाया गया है और कई मेहमान इस वक्त वहां से भी जुड़े हुए हैं। मेरी सहयोगी प्रियंका जुड़ रही है हमारे साथ। प्रियंका, अब ये तस्वीर धीरे धीरे रुझानों के जरिए साफ हो रही है राजस्थान की? बिल्कुल रविंद्र, तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती चली जा रही है। विधानसभा के ठीक बाहर हम मौजूद है। कुछ समय पहले यहाँ पर कोहरा छाया हुआ था, लेकिन जैसे जैसे कोहरा हटता चला जा रहा है राजस्थान में सरकार किसकी बनने वाली ये तस्वीरें भी साफ होती हुई नजर आ रही है। चर्चा के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिचय करा देते हैं। अवधेश अकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और इसके साथ साथ हमारे साथ सुरेश गर्ग जी भी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और आम आदमी पार्टी
पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त योगेंद्र जी भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन चर्चा की शुरुआत अवधेश जी आप ही से करते हुए, चूंकि ये जो रुझान सामने आ रहे हैं, क्या लग रहा है बीजेपी की सरकार फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है, किन मुद्दों पर लोगों ने वोट डाले होंगे? बिल्कुल, देखिए जो अभी तक के ट्रेंड है उसमें बीजेपी ने काफी ठीक ठाक बढ़त बना ली है, लेकिन कांग्रेस भी अभी उतनी पिछड़ी नहीं है जितना माना जा, जो पिछले विधानसभा के चुनाव रहे जब कांग्रेस सत्ता में रही है तो वो एकदम बहुत ज्यादा पिछड़ जाती है। इस बार कांग्रेस ने मुकाबला अच्छा किया है और ये भी संभव है कि थोड़ा और टैली में सुधार होता है तो कड़ा संघर्ष भी देखने को मिले, लेकिन अभी तक के जो ट्रेंड है, हालांकि जो ट्रेंड सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है, 12 बजे तक थोड़ा सेटल होगा, अभी तक के ट्रेंड में बीजेपी स्पष्ट रूप से आसानी से सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो अब तक के रुझान यही कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। सुमित जी, अभी भी वही बात कहेंगे, रिवाज बदल डालेंगे? बिल्कुल, अभी मैं आपको पिछले हिमाचल प्रदेश चुनावों का याद दिला देता हूं कि 11 से 12 बजे तक बीजेपी का जो शिमला में मुख्यालय है वहां पे पटाखे चला रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता, ट्रेंड बदला, कांग्रेस ने सरकार बनाई। 12 बजे बाद इस प्रदेश में भी, इस विधानसभा में भी कांग्रेस का मुख्यमंत्री जल्दी से जल्दी शपथ लेने आएगा और इसमें कोई दोराई नहीं है कि हमारी जो नीतियां थी, जनहितकारी नीतियां, वो कहीं ना कहीं काम कर रही है और जनता हमें वोट देने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए निकली है और हम स्पष्ट बहुमत की सरकार। तो स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, ये अभी भी दावा है कांग्रेस का। सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस तो अभी भी दावा कर रही है लेकिन बीजेपी कार्यालय में ढोल नगाड़े बजने लग गए हैं। प्रियंका जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। मैं बता रहा हूं कि 125 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है। पिछले 5 साल से जो राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, पावर सेक्टर के अंदर आपने देखा होगा किस तरह से रिटायर्ड अफसरों को पैसे लेकर रिटायर्ड अफसरों को लगाया और किस तरह से भ्रष्टाचार पावर सेक्टर में किया। पावर सेक्टर में इस तरह से बिजली की दरें 5.5 रुपए से 11.90 रुपए बढ़ाई है, ये रिटायर भ्रष्टाचार का मुद्दा काम कर रहा है या जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि ध्रुवीकरण की कोशिश की गई? राजस्थान में भ्रष्टाचार का मुद्दा और 70 लाख युवाओं के साथ इन्होंने जो ठगी की है, वो सब जनता, युवा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दे रहे हैं। जिस तरह से भ्रष्टाचार राजस्थान में 5 साल तक चरम सीमा में बजा, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की पिछले 9 साल से जो पूरे राष्ट्र के लिए जो नीति चल रही है, 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी लेके आए, तो वो उन सब चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर पूर्ण बहुमत से आ रही है। तो अभी भी दावा, जैसा कि आप रविंद्र सुन रहे होंगे, दोनों ही पार्टियों की ओर से किया जा रहा है कि सरकार तो हमारी बन रही है। खैर, कुछ ही समय में तस्वीरें भी साफ होंगी और पता चलेगा कि किसके सर सजेगा जीत का ताज। योगेंद्र जी, देखिए, दोनों दलों में से किसी की भी जीत हो, सरकार कोई भी बनाए, हम रिक्वेस्ट सिर्फ इतना ही करेंगे, पहले बधाई देंगे दोनों में से जो जीतेगा उसको, और रिक्वेस्ट इतना करेंगे कि जो चुनाव घोषणा पत्र है उसको 24 घंटे अपने हाथ में रखें, फिर जनता की तरफ देखें और देख करके सुनिश्चित करें कि अगले 5 साल तक उस चुनावी घोषणा पत्र का एक एक वादा पूरा होना चाहिए। और अगर वादा पूरा नहीं हुआ तो मैं आपको यहां पर वादा करके जा रहा हूं कि यह हमारा वादा है कि हम वादे को पूरा करने के लिए सड़क पर उतरेंगे, मजबूर करेंगे और जनता के आवाज बनकर बड़ी आवाज यहां पर निकलेंगे, और अगले जब चुनाव आएंगे तब आपको मालूम चलेगा कि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी आवाज राजस्थान के बनकर उभर रही है। तो योगेंद्र जी का कहना है कि इस बार तो भले हम सरकार में नहीं आ पा रहे लेकिन विपक्ष की भूमिका जरूर पूरी तरीके से निभाएंगे और सड़कों पर भी उतरेंगे और याद दिलाएंगे सरकार को कि याद करिए कौन से वादे लेकर आप सत्ता में आए हैं। तो लगातार नतीजे आपको दिखा रहे हैं, रुझान दिखा रहे हैं, महासंग्राम 2023 को लेकर मेगा कवरेज सबसे पहले, सबसे तेज। रविंद्र, और याद तो दिलाने की बात वो भी है जब एक वक्त था जब आरएलपी के हनुमान बेनीवाल कहते थे कि आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर तीसरा विकल्प हम यहाँ पर देंगे, लेकिन फिलहाल अभी कुछ अतापता यहाँ बड़ी अपडेट आ रही है। रविंद्र, हम बता दें दर्शकों को, डीडवाना से निर्दलीय और भारतीय जनता पार्टी के बागी यूनुस खान आगे चल रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बीजेपी के जितेंद्र जोधा जो है अब वो बढ़त नहीं बना पाए हैं, उनके सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से मौजूदा विधायक हैं चेतन रूडी और दोनों के बीच में टक्कर थी। यूनुस खान आगे चल रहे हैं, पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, और ये कहा भी जा रहा था कि यूनुस खान लगातार इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी से उनको टिकट मिले, लेकिन उनका टिकट कटा। इसका एक फैक्टर, एक एंगल ये भी है, अलका जी जरूर इसमें नहीं मानेंगी, कहेंगे कि जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया जाना चाहिए। हम जब भी गए मैम, लगातार सवाल यही उठा कि बीजेपी ने 199 प्रत्याशी खड़े किए, एक भी मुसलमान नहीं था।
यूनुस खान आगे चल रहे हैं। कहा गया कि जिता उम्मीदवार को टिकट दिया गया, इसलिए हमने यूनुस खान को टिकट नहीं दिया। देखिए, हर पार्टी की स्ट्रेटेजी होती है और स्ट्रेटेजिकली जिताऊ को ही टिकट दिए गए थे। हर जगह कहीं ना कहीं कुछ प्लस माइनस हो जाता है, लोकल इश्यूज भी आ जाते हैं, इस वजह से ऐसा हो जाता है। और जहां इस तरह का होता है वहां पार्टीज फिर समीक्षा करती हैं कि आगे जाकर इस तरह की चीजें ना हो। बिल्कुल। और बीजेपी मुख्यालय में जश्न की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। कुछ सूत्रों से जानकारी यह भी मिल रही है कि बड़े जश्न की तैयारी बीजेपी की तरफ से ना सिर्फ जयपुर बल्कि दिल्ली में भी की जा रही है। बिना वक्त गवाए सीधा सौरभ गृहस्थी का रुख करते हैं। सौरभ, बताइए और दिखाइए। बिल्कुल, देखिए जश्न का माहौल बीजेपी में शुरू हो गया है। जिस प्रकार से बहुमत के आंकड़े से बीजेपी आगे जाती हुई नजर आ रही है, उसके बाद तमाम कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय जुट रहे हैं। बीजेपी में बूथ मैनेजमेंट करने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लग रहा है, किस प्रकार का मैनेजमेंट रहा आप लोगों का? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। तीनों राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। क्या मैनेजमेंट रहा, बूथ मैनेजमेंट के माहिर माने जाते हैं आप? राजस्थान के अंदर हमने पन्ना प्रमुख की नियुक्ति की, पन्ना प्रमुख की नियुक्ति के बाद में राजस्थान में बूथ पर मैनेजमेंट अच्छा रहा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। तो देखिए, ये जोश जो है वो लगातार यहाँ पर दिख रहा है। तमाम नेता यहाँ पर पहुँचने लगे। अरुण सिंह यहाँ पर पहुँच चुके हैं, गजन सिंह शेखावत यहाँ पर पहुँच चुके हैं, सीपी जोशी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं जबरदस्त माहौल जो है वो तमाम कार्यकर्ताओं में यहाँ पर नजर आ रहा है। और जिस प्रकार का माहौल है, बीजेपी जो है वो अभी भी ये दावा कर रही है कि 137 सीटों से ज्यादा जो है वो बीजेपी पार कर लेगी। और ये यही कारण है कि यहाँ पे ढोल जो है वो मंगा लिए गए। महिला मोर्चा की कार्यकर्ता जो है वो नाचते गाते झूमते हुए यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। और ये जोश लगातार जैसे जैसे रिजल्ट में परिवर्तित होंगे, वैसे वैसे जो है वो तमाम कार्यकर्ता प्रत्याशी भी बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद वसुंधरा राजे भी बीजेपी कार्यालय पहुंच सकती है। महिला मोर्चा की अध्यक्ष रक्षा भंडारी जी हमारे साथ मौजूद है। रक्षा जी, जो मेहनत की थी वो रिजल्ट में परिवर्तित होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, परिश्रम से परिणाम तक। भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा ने बहुत बहुत मेहनत करी है और पूरे राजस्थान में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है। निश्चित रूप से इस प्रचंड बहुमत की सरकार में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। महिलाओं का योगदान था, बीजेपी की सरकार बनेगी, बन गई। राजस्थान की महिला शक्ति ने कहा था इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे और उखाड़ कर फेंक दिया। देखिए यहाँ पर महिला मोर्चा जो है वो इस वक्त उत्साहित नजर आ रहा है और तमाम नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इस वक्त अरुण चतुर्वेदी हैं, उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। अरुण जी, भाई साहब, ये उम्मीद आपको नहीं थी कि इतना बड़ा रिजल्ट आएगा? नहीं, मैंने शायद पहले भी बात की, हम आश्वस्त है कि राजस्थान से पूर्ण बहुमत के साथ आएगी और बहुत अच्छे मार्जिन के साथ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। 5 साल का लूट और झूठ की सरकार, महिलाओं के साथ असुरक्षा का वातावरण, भ्रष्टाचार और लूट का बोलबाला, उस सब के खिलाफ जहां जनमत था वही नरेंद्र मोदी जी के वादों के प्रति आम आदमी का विश्वास वो प्रकट कर रहा है कि आज मत के रूप। ऐसा लग रहा था कि ओपीएस के मुद्दे पर कर्मचारी जो है वो कांग्रेस के साथ जाएंगे, क्या लग रहा है इस रिजल्ट को देख के, इस रुझान को देखकर? अब तो सिद्ध हुआ पोस्टल बैलेट में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन के साथ जीत के जा रही है, इसलिए समाज के सब वर्गों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त किया। या कांग्रेस की नाराजगी या फिर केंद्रीय नेतृत्व ने जिस प्रकार से यहाँ पर मोर्चा संभाला, किसकी जीत किसको श्रेय दिया जाएगा? राजस्थान के लाखों कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास और यहाँ की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी के विश्वास पे किया, ये मिलजुल करके राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का आधार। बिल्कुल सौरभ, जो तस्वीरें आ रही है जश्न की तस्वीरें रविंदर, भारतीय जनता पार्टी खेमे में इस वक्त गजब का उत्साह है, कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं, तैयारियां और आगे बढ़ती हुई। नेताओं के आने का सिलसिला बीजेपी के जारी हो चुका है और धीरे धीरे नेता और भी बढ़ते रहेंगे, लेकिन चूंकि कुछ ब्रेकिंग भी बतानी जरूरी हो जाती है, इसके लिए सीधा रिजल्ट हब का रुख करेंगे। हमारी सहयोगी श्रुति मौजूद हैं, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज तो हम ही बता देते हैं आपको कि अभी तक के रुझानों में बीजेपी को 107 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। ये बढ़त रुझानों के जरिए हम बता रहे हैं, अभी नतीजे में तब्दील नहीं हुए हैं।
ये बढ़ा 10:45 की ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते हुए। अब 107 से 106 सीटों पर बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए है, जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस 76 सीटों पर आगे चल रही है, 17 सीटों पर अन्य, इन अन्य में निर्दलीय के साथ साथ बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं या अलग पार्टीज हैं उनके भी प्रत्याशी इसमें शामिल हैं। इसका ब्रेकअप आगे देने की कोशिश करेंगे, लेकिन चूंकि सबकी नजर इस बात की यही कि राजस्थान में राज बदल रहा है कि रिवाज बदल रहा है, लेकिन साफ तौर पर बात वही है कि रिवाज कायम है और राज बदलने जा रहा है। अभी के हिसाब से अगर देखें, नदबई की भी खबर आ रही है जहां पर बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं, कुशलगढ़ में कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, वहीं नाभा से बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी विजय सिंह चौधरी यहां आगे चल रहे हैं, दूसरी तरफ परबतसर से कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास आगे चल रहे हैं। रामनिवास गावड़िया जो है अब वो बढ़त बनाए हुए हैं, हनुमानगढ़ से निर्दलीय है गणेश राज बंसल, जिनको लेकर के कहा जा रहा था कि उनकी स्थिति मौजूद है। श्रुति का रुख कर लेते हैं, श्रुति लगातार बनी हुई है रिजल्ट हब में, क्या अपडेट है श्रुति आपके पास? हेमंत, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि रुझानों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी लीड कर रही है, लेकिन इसमें हमें वो भी नहीं भूलना चाहिए कि लाल डायरी को लेकर राजेंद्र गुढ़ा जो कि शिवसेना का दामन थाम चुके हैं उदयपुर वाटी से फिलहाल पीछे हैं, लेकिन दिव्या मदेरणा भी पीछे चल रही है। लेकिन इस बीच में शांति धारीवाल जो कि कोटा उत्तर से है, और शांति धारीवाल को लास्ट टाइम में ही टिकट दिया गया था, बीजेपी अपने फाइनल लिस्ट में इनको प्रत्याशी के तौर पर उतारी थी, और इस बार अभी आपको अपडेट बता दें कि शांति धारीवाल फिर हाल आगे लगते हुए नजर आ रहे हैं। जी हमें तो इसी के साथ ही आपको बता दें शाहपुरा विधान सीट की भी छठे राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है, जिसमें शाहपुरा विधानसभा से कांग्रेस के मनीष यादव 19,184 सीटों से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। अजमेर में आ जाते हैं, अजमेर के ब्यावर विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस के पारस पंच 4,368 सीटों से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नसीराबाद विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशी आगे नजर आ रहे हैं। किशनगढ़ में भी कांग्रेस के विकास चौधरी 615 सीटों से लीड नजर आ रहे हैं। वहीं मसूदा 5 राउंड के बाद बीएसपी के वाजिब चिता जो कि 7,408 मतों से आगे नजर आ रहे हैं। वहीं हनुमानगढ़ में आ जाइए तो पीलीबंगा से तीसरे राउंड में कांग्रेस के विनोद कुमार जो कि 8,920 मतों से आगे चल रहे हैं। वहीं सातवें राउंड में जमुआ रामगढ़ से भाजपा के प्रत्याशी आगे हैं, 4,169 वोटों से बीजेपी के महेंद्र पाल मीणा आगे नजर आ रहे हैं। कोटा की लाडपुरा विधानसभा सीट से बात करें तो 6 राउंड के परिणाम आ चुके हैं सामने, जिसमें बीजेपी की कल्पना देवी करीब 10,000 वोटों से आगे नजर आ रही है कांग्रेस से। और राजसमंद में कुंभलगढ़ विधानसभा सीट की भी बात कर लेते हैं तो वहां पर सातवें राउंड की मतगणना का परिणाम आ चुका है, भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह राठौर 13,400 अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल ओसिया में काफी बड़ा उलटफेर हो सकता है इस वक्त, और मसूदा सीट की बात करें रविंद्र, यहां पर अजमेर जिले में यहां पर भी कांग्रेस और बीजेपी के लिए दोनों के लिए पैच पसता हुआ नजर आ रहा है, जो यहां पर बहुजन समाज पार्टी की ओर से चीता प्रत्याशी उतारे गए थे वो यहां पर काफी आगे बढ़त बनाए हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। 107 सीटों पर रुझानों में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, 75 पर कांग्रेस और 17 पर अन्य। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ हैं। निरंजन जी, जब ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात होती थी और एग्जिट पोल से पहले ही जब मतदान हुआ हमारी और आपकी चर्चा हो रही थी, तो आपने कुछ कुछ इसी के करीब चीजें बताई थी, और अब मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे पूछ रहा हूं, ये बताइए कि अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं, बीजेपी को बहुमत मिलता है, सीएम कौन से 3 या 4 नाम हो सकते हैं और कितने दिनों में यह फैसला होगा? रविंद्र जी, निश्चित रूप से देखिए, परिणाम आते आते मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा प्रिडिक्शन था वो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स के अंदर तब्दील होगा, क्योंकि मैं जब चेक कर रहा था तो आपको मैं बताऊं कम से कम 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी मात्र 200-250-300 वोटों से पीछे चल रही है। अगर मान लीजिए वहां पे कुछ उलट फेर होता है तो मेरे हिसाब से ये मामला जाकर के 115 पे चला जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात देखिए रविंद्र जी, इसके साथ मैं आपके चैनल के ऊपर एक बहुत और बड़ी बात करना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, जिसके अंदर अगर आप 3 राज्य देखेंगे तो वो हिंदी बेल्ट के अंदर, हिंदी बेल्ट में आते हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश जी, और एक राज्य साउथ का है यानी कि दक्षिण का है, जहां से खड़गे जी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के आते हैं जी जी जी। और आज अगर हम देखेंगे तो कर्नाटका के अंदर खड़गे जी ने जीत, मैं मानता हूं कि खड़गे जी की जीत मानी जाएगी, तेलंगाना के अंदर जो जीत है उसके अंदर खड़गे जी का रोल माना जाएगा। लेकिन मेरा सवाल जो था उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं।
जी दोबारा से करो आप सवाल। नहीं, लेकिन पहले दर्शकों को बता देते हैं, हवा महल सीट पर महेश जोशी की टिकट काट करके आरआर तिवाड़ी को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। आरआर तिवाड़ी बढ़त बनाए हुए, लेकिन महेश जोशी का रिएक्शन दिखाते हैं अपने दर्शकों को, उन्होंने क्या कुछ कहा है। चुनाव के नतीजों में कांग्रेस अब पिछड़ती हुई दिख रही है, क्या उम्मीदें बची हैं चुनाव में? बात करते हैं मंत्री महेश जोशी से। महेश जोशी साहब, क्या लग रहा है, कांग्रेस अब पिछड़ रही है, 76 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी स्पष्ट बहुमत की तरफ बढ़ रही है, 104 सीटों पर अभी बीजेपी की बढ़त बरकरार है, आपके लिए उम्मीदें क्या है? देखिए 20 सीटें लगभग ऐसी हैं जहां 500 का अंतर चल रहा है, अभी रुझान है, अभी काउंटिंग पूरी नहीं हुई है। मैं उम्मीद करके चलता हूं कि हम सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे। आपके साथ ही यानी अधिकांश गहलोत सरकार के मंत्री पिछड़ रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? ये तो देखिए, मैंने कहा ना, अभी रुझान है, कई बार ये काउंटिंग का सिस्टम है, कभी कोई आगे होता है, कभी कोई पीछे होता है, कभी बहुत पीछे होने के बावजूद भी चुनाव जीत जाते हैं, तो इसलिए ये तो अभी रुझान है। फाइनल रिजल्ट जो आएगा, मैं उम्मीद करके चलता हूं कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आएगी। एंटी इनकमेंसी आपको लगता है कि उसे पार नहीं पाई सरकार, इतनी गारंटी दी, इतनी स्कीमें लॉन्च करी, क्या मतदाताओं ने एतबार नहीं किया आपकी स्कीम्स पर और गारंटी पर? मैंने कहा ना, ये तो ये सारी टिप्पणियां उसके बावजूद जो अंतिम परिणाम आ जाए उसके बाद इन सारे ये एनालिसिस होता है, अभी अंतिम परिणाम नहीं आए हैं। अंतिम परिणाम आने के बाद में पूरी तरीके से जो भी परिस्थिति बनेगी, हम सरकार बनाएंगे तो भी, और कोई और परिस्थिति बनती है तो भी, हम सारी बातों का एनालिसिस करेंगे। बीजेपी के कार्यालय में तो ढोल बजने लग गए हैं, आतिशबाजी होने लग गई है, कांग्रेस के कार्यालयों में सन्नाटा पसरा है, ये क्या इंडिकेट करता है? क्या कांग्रेस पार्टी में आत्मविश्वास नहीं बचा? नहीं, कांग्रेस पार्टी मैं समझता हूँ वार रूम में सारे लोग मौजूद हैं, तो और बीजेपी की तो आदत है ताली पिटवाने की, थाली बजवाने की, नगाड़े बजवाने की, तो ये तो उनकी आदत है। महेश जोशी को अभी भी उम्मीद है कि फाइनल नतीजे जब तक आएंगे तब तक उनकी संभावनाएं हैं, लेकिन अभी जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है या रुझान दिखाई दे रहा है रविंद्र, उसमें ऐसा नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी के मुख्यालय से जयपुर से सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और बीजेपी के दिग्गज नेताओं का और कार्यकर्ताओं का आने का सिलसिला जारी हो चुका है। सौरभ, आपके साथ बीजेपी कौन नेता मौजूद है इस वक्त, बात कीजिए। जी बिल्कुल, मेरे साथ बीजेपी की सह प्रभारी विजय राहटकर है, जो महाराष्ट्र से सांसद भी है और कई महीनों से राजस्थान में एक तरह से मोर्चा संभाल रखा था, कई विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने भूमि है। मैडम, बहुत मेहनत की आपने, बहुत कह सकते हैं बिल्कुल बिना किसी प्रचार के आप लोगों ने मेहनत की है, क्या लग रहा है ये मेहनत का नतीजा आ रहा है? बिल्कुल, सब लोगों ने मिलकर ये मेहनत करी है और इसीलिए ये सरकार बन पा रही है। मैंने स्वयं ने करीबन 150 से भी अधिक ज्यादा विधानसभाओं में प्रवास किया था, और जब मैंने लोगों को जाना था, कार्यकर्ताओं को समझा था, तो मुझे ये बिल्कुल बात ध्यान में आ रही थी कि जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए बहुत मन में है, जनता के मन में, और कार्यकर्ता भी दिल से काम में लगा है, तो आपने देखा कि नतीजा बहुत अच्छी तरीके से आ गया है। आप जोधपुर का भी जिम्मा आपको दिया गया था और वो दादीज को भी आप पार्टी में लाई थी, और उस क्षेत्र में किस प्रकार का रिजल्ट आप लोगों को मन मुताबिक आ रहे? मैं आपको एक ही कहती हूँ कि पूरे राजस्थान में अब बीजेपी का ही बीजेपी का झंडा है, पर उसके साथ साथ अगर सबसे आगे कोई रहेगा तो वो जोधपुर संभाग रहेगा, वहाँ पे बीजेपी की बहुत अच्छी सीटें आएगी। पर मुझे ये भी लगता है कि ये हमारे सभी के एकत्रित मेहनत का, माननीय मोदी जी ने जो लोगों का इतने अच्छे तरीके से विश्वास संपादन किया है, उसी का ये परिणाम है। पर इसका एक श्रेय मैं हमारी जो लोकल लीडरशिप है प्रदेश की, उनको भी दूंगी कि उन्होंने मिलकर इस चुनाव को लड़ा है और लोगों का विश्वास संपादन किया। फिर सवाल अब ये उठ रहा है कि अब राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, अभी अभी सरकार बनने जा रही है, आंकड़े सामने आ रहे हैं, आज तो हम इसका बड़े अच्छे तरीके से आनंदोत्सव मनाएंगे। इस विषय में पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करता है और कुछ दिनों में वो निर्णय हो जाएगा, ये पार्टी के लिए रूटीन बात होती है, वो उस समय पे वो निर्णय हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, विजय राहटकर लगातार राजस्थान के करीब 150 विधानसभा क्षेत्रों में गुजरी, उन्होंने वहाँ पर प्रवास किया, और उसी का कारण है कि ये उनका दावा है कि
जोधपुर संभाग में बीजेपी को सबसे ज्यादा जो है वो सीटें मिलने वाली है। बिल्कुल सौरभ, लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। दर्शकों को बता दें कि न्यूज 18 राजस्थान का दबदबा लगातार ना केवल टीवी पर बल्कि सोशल मीडिया पर भी लगातार देखने को मिल रहा है। यूट्यूब पर सबसे ज्यादा दर्शक 7 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त देख रहे हैं, और यूट्यूब पर जो सबसे ज्यादा दर्शक हैं देश में, सबसे ज्यादा न्यूज 18 देखा जा रहा है। रविंद्र, न्यूज 18 मतलब चुनाव, यानी कहें कि चुनाव मतलब न्यूज 18, और जाहिर तौर पर ये आज की तारीख में जो एक बड़ा दिन माना जाता है। और अगर बात पत्रकारिता जगत की करें तो चुनाव का दिन और मतगणना का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो न सिर्फ हमारे न्यूज चैनल के जरिए बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आपका बहुत प्यार और भरोसा यहां पर देखने को मिला। बड़ी संख्या में आप हमको देख रहे हैं, सराह रहे हैं, और यकीन मानिए सरकार के गठन तक, मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान तक सारी खबरें और अंदर की बातें आप तक बताएंगे, लेकिन अंदर की बात जानने की कोशिश कयास मैं निरंजन जी आपसे कर रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, बता नहीं रहे हैं, एक नाम नहीं पूछ रहा हूं मैं, चार नाम बता दीजिए कौन चेहरे प्रथम आपको दिखाई दे रहे हैं दौड़ में बीजेपी की तरफ से। अलका जी मुस्कुरा रही हैं। देखिए रविंद्र जी, ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, और इस मामले में मैं अगर अपनी मेरी निजी राय पूछें तो अब जिस तरीके से परिणाम अगर ये मान के चलते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वसुंधरा राजे जी दोबारा से राजस्थान की रानी या कहें महारानी बनने वाली है। चलिए एक बार मैं वापस से आएंगे हम आपके पास में, बाकी तीन नाम और लेंगे। रिजल्ट आपका रुक कर लेते हैं, श्रुति के पास कोई बड़ी अपडेट है। जी श्रुति। हेमंत, आपको बता दें कि खिवंसर से लगातार हनुमान बेनीवाल पीछे चल रहे थे, लेकिन हनुमान बेनीवाल लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, और से हनुमान बेनीवाल आगे हो गए हैं, और उसके साथ ही सवाई माधोपुर से सीट का तीसरा राउंड कंप्लीट हो चुका है। रविंद्र जी, सवाई माधोपुर सीट से भाजपा के प्रत्याशी है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जो कि 3,506 मतों से आगे हैं। वहीं राजसभा की बात करें तो 9वें राउंड की भी मतगणना का परिणाम सामने आ चुका है। भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी लीड करती हुई नजर आ रही है, 15,228 वोट मिले हैं। वही राजसभा के भीम विधानसभा की बात कर रहे, 7वें राउंड की मतगणना का परिणाम सामने आ चुका है, जिसमें भाजपा प्रत्याशी हरि सिंह रावत 11,941 सीटों से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। कुंभलगढ़ विधानसभा चुनाव का 8वां परिणाम भी आ गया है, जिसमें भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह राठौर लीडिंग पोजीशन में है। तो लगातार रविंद्र जी बीजेपी बढ़त बनाए हुए आगे लीडिंग फुल मैंडेट के साथ फिलहाल तो अभी नजर आ रही है। मैं आपसे लेते हैं अलका जी, एक रिएक्शन लेना चाहता हूं आपसे। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर देखिए अभी भी फेरबदल हो रहा है। सिविल लाइंस पर आप देखिए कि सिविल लाइन में जिस तरीके से कभी बीजेपी आगे कभी कांग्रेस आगे, खींवसर में हमने देखा हनुमान बेनीवाल पीछे चल रहे थे, अब हनुमान बेनीवाल आगे चल रहे हैं। बट हम बहुमत ला रहे हैं और सरकार बना रहे हैं, ये आज की सच्चाई है। अभी सवाल पूछ रहे थे रविंद्र उनसे, निरंजन जी से, कि आखिरकार जब भारतीय जनता पार्टी को अगर पूर्ण बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, चार चेहरे कौन से? मैं आपको बिल्कुल स्तब्ध नहीं करना चाह रहा, चार ऑप्शन मैं आपको देना चाह रहा हूं। एक तो आपने बता दिया वसुंधरा जी, और बाकी तीन और कौन हो सकते हैं? मेरा तो यह मानना है रविंद्र जी, मुख्यमंत्री तो एक ही बनता है, और वो मेरे हिसाब से मैंने अपने हिसाब से मैंने प्रेडिक्शन कर दिया, और आपको ध्यान होगा 25 तारीख को आफ्टर इलेक्शन। नहीं वो तो बिल्कुल आपने कहा भी, हाँ, वो तो आपने कहा भी, और वहीं जाएगा। देख लीजिए ये जो अन्य हैं ये भी वहीं जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ये भी अभी तो वक्त है, अभी तो वक्त है। हाँ। अलका जी, ये हम कयास कब तक लगाते रहेंगे? देखिए जब मतदान हो जाता है तो फिर इंतजार इस बात का होता है कि मतगणना जब होगी तो कौन आगे बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहा। दूसरी तरफ फिर बात ये आती है कि सरकार अगर वो पार्टी बना रही है तो फिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो ये मैं फिर से वही सवाल पूछूंगा, क्योंकि अब स्थिति धीरे-धीरे साफ होती जा रही है, मुख्यमंत्री कब तय हो जाएगा, ठीक है, कौन होगा, कितना दिन लगेगा, बहुत जल्दी तय होगा। नहीं मतलब चुनावों में तो कमल का फूल चेहरा था, अभी भी कमल का फूल ही चेहरा है, जो भी चेहरा आएगा कमल का फूल के साथ ही आएगा। थोड़ा सा अलका गुर्जर जी आपको रोक रहा हूँ, विश्वराज सिंह मेवाड़ आ गए, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है, 5:00 बीजेपी मुख्यालय में जश्न होगा पीएम मोदी, 6:30 भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय दफ्तर पहुंचेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आज संबोधित करेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर। और सवाई माधोपुर से बीजेपी के किरोड़ी लाल आगे चल रहे हैं। जी हाँ, सवाई माधोपुर एक बार फिर से लौटे थे किरोड़ी लाल मीणा, इस वक्त 3,506 वोटों से आगे चल रहे हैं। आमेर की बात करते हैं, कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है, यानी कि एक
मुश्किल मुकाबले में फंसते हुए सतीश पुनिया दिखाई दे रहे हैं। मात्र दो वोटों से वो आगे चल रहे हैं। कहा यही जा रहा था कि जो जबरदस्त तरीके से चुनाव इस बार हो रहा है तो त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है, चतुष्कोणीय मुकाबला भी हो सकता है, और तीसरे और चौथे फैक्टर की वजह से जो विनिंग कैंडिडेट है उसको थोड़ा नुकसान हो सकता है। और जी बिल्कुल, अरबाज भी हमारे साथ मौजूद है। अरबाज, अभी क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? ये कहा जा रहा है कि बीजेपी मुख्यालय के सामने ये देखा जा रहा है। बिल्कुल अरबाज का रुकल, जी अरबाज का रुकल लेते हैं। अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे। अरबाज, अरबाज अपडेट बताइए। जी बिल्कुल, देखिए कि मैं आपको राजधानी जयपुर का बड़ा अपडेट बता देता हूं कि यहां पर जो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं वो भाजपा के कैंडिडेट गोपाल शर्मा से पिछड़ गए हैं और करीब 4000 वोटों से जो है गोपाल शर्मा आगे चल रहे हैं। आदर्श नगर में जो रफी खान है उन्होंने लीड बनाई हुई है, जबकि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो अमीन कागजी जो कि एक बड़ी बढ़त बनाए हुए थे उसमें बाकायदा जो भाजपा के चंद्र मनोहर बटौलिया हैं वो काफी करीब आ गए और ये बढ़त महज 1200 वोटों के करीब करीब रह गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे झोटवाड़ा से लेकर के जो हवा महल है उन तमाम सीटों पर लगातार अपडेट आ रहे हैं और जिस तरह से अभिषेक चौधरी की जो बढ़त थी वो थोड़ी कम हुई। महेश हमारे सहयोगी साथ में आए, किस तरह से जयपुर की बाकी सीटों की स्थिति, क्या अपडेट? अरबाज, बहुत कम समय में जल्दी से जल्दी आपको ज्यादा ज्यादा अपडेट देने की कोशिश करूंगा। शाहपुरा विधानसभा सीट की बात करते हैं जयपुर जिले की, मनीष यादव यहाँ पर बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं, 20,000 के करीब वोटों की बढ़त है। किशनपोल में बात कर ले हम अमीन कागजी, 10,000 वोटों की बढ़त है। जयपुर के झोटवाड़ा की बात कर ले जहां पर की 8 जो राउंड है उसकी मतगणना यहां पर पूरी हुई है, उसमें कांग्रेस के अभिषेक चौधरी ने बढ़त बना रखी है। महत्वपूर्ण सीट है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की प्रतिष्ठा इस पर दाव पर लगी हुई है। बगरू की बात कर ले वहां पर काफी स्लो है वोटिंग, 5 राउंड पूरे हुए हैं। कैलाश वर्मा जो है वो वहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। गंगा देवी को हमने अभी जाते हुए देखा, हम पूछ भी रहे थे उनसे कि क्या हुआ आखिर आप इतना जल्दी क्यों जा रहे हैं, तो वो कह रही थी कि मैं वापस लौटती हूं, वो आई नहीं। इसी तरह दूदू में भी ऐसा देखने को मिला जहां पर प्रेमचंद बेरवा ने बड़ी बढ़त जो है वहां पर बना ली है। सांगानेर में बात करें, चौंकाने वाली बात है, काफी मेहनत करी पुष्पेंद्र भारद्वाज ने, लेकिन भजनलाल शर्मा नया चेहरा है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से 4400 मतों से उन्होंने यहां पर अपनी बढ़त बना रखी है, 1000 वोटों का भी डिफरेंस आया। जब पांचवें से छठे राउंड में गए तो दूदू में 15,000 वोट जो है 9 राउंड पूरे होने के बाद में 15,000 वोट से प्रेमचंद बेरवा यहां पर मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। जो कांग्रेस के हैं वो पिछड़ चुके हैं जी बिल्कुल। और कोटपुतली की भी जानकारी देना चाहूंगा जहां से कि 4 राउंड की मतगणना पूरी हुई है और हंसराज पटेल जो है वो 4 राउंड में बीजेपी के वो आगे बताए जा रहे हैं। आदर्श नगर में जो है एक बड़ी बढ़त के साथ में कांग्रेस के रफी खान जो है वो यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं, 5 राउंड यहां पर पूरे हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर के जयपुर जिले में जो है एक टफ फाइट जो है देखा जाए तो दो मंत्री यहां पर पिछड़ चुके हैं, कई बड़े चेहरे यहां पर पिछड़ रहे हैं कांग्रेस के, और बड़ी टफ फाइट है जो कितने औसत राउंड हो चुके हैं। लवली आपके पास अपडेट क्या है इस वक्त? 7 राउंड जो है वो अभी तक पूरे हो चुके हैं। देखिए इस वक्त का सबसे रोचक अपडेट हमारे पास में है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो कि भारतीय जनता पार्टी के सतीश पुनिया वो चुनाव लड़ रहे हैं और इस वक्त जो है केवल 2 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। 7वें राउंड में बराबर हो चुका है आंकड़ा और प्रशांत शर्मा और सतीश पुनिया में कड़ी टक्कर हो रही है। केवल 2 वोटों से सतीश पुनिया इस वक्त आगे चल रहे हैं। दोनों का वोट काउंट मैं आपको बता देता हूं, 36965 जो कि भारतीय जनता पार्टी के सतीश पुनिया को मिले हैं और कांग्रेस को मिले हैं 36963। 2 वोटों से सतीश पुनिया आगे। इसके बाद विद्याधर नगर जाते हैं तो विद्याधर नगर में 6 राउंड पूरे हो चुके हैं, वहां पर 17,502 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी दिया कुमारी लगातार आगे चल रही है। विष्णु आए हैं, विष्णु से अपडेट लेते हैं। विष्णु, फुलेरा क्या कह रहा है? देखिए फुलेरा जो है अभी विद्याधर चौधरी है जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो करीब 11,175 वोटों से आगे चल रहे हैं। 7 राउंड की जो मतगणना है वो लगभग पूरी हो चुकी है। तो फिलहाल फुलेरा से हम बड़ी खबर बता रहे हैं कि फुलेरा से कांग्रेस के विद्याधर चौधरी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे 11,175 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं पर चोमू जो कि अहम सीट थी, बड़ी सीट थी, वहां पर शिखामिल बराला अब करीब 3,646 वोटों से आगे चल रही है। 7 राउंड की मतगणना जो है वो अब तक पूरी हो चुकी है। और वहीं पर यदि मैं बात कराऊं चाकसू विधानसभा क्षेत्र की तो पायलट समर्थक जो वेद प्रकाश सोलंकी थे वो यहां पर पिछड़ रहे हैं। यहां पर आप बीजेपी के जो प्रत्याशी है रामावतार बैरवा वो करीब 7 राउंड की मतगणना के बाद 13,634 वोटों से आगे चढ़ रहे हैं। तो फिलहाल चाकसू विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी रामावतार बैरवा 13,000 वोटों से आगे, वहीं पर चोमू और उसके अलावा चाकसू विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की जो प्रत्याशी है चोमू में शिखामिल बराला 3,600 वोटों से आगे चल रही है। वहीं पर फुलेरा विधानसभा में विद्याधर चौधरी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है
11,175 वोटों से आगे हो रहे हैं। तो करीब 7 राउंड की मतगणना है जो पूरी हो चुकी है और अभी तक देखा यही जा रहा है कि जयपुर जिले की बात करें तो कांग्रेस कई सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। 7 से आउट राउंड की जो मतगणना है वो पूरी हो चुकी है और काफी जो लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि सतीश पूनिया जो कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे वो आमेर विधानसभा क्षेत्र में 2 वोटों से आगे चढ़ रहे हैं। तो देखिए इस वक्त का सबसे बढ़िया और बेहतर रुझान जो है राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने जारी किया है। निर्वाचन विभाग का ऑथेंटिक रुझान जो है वो इस वक्त हम हमारे दर्शकों को दिखा दें। भारतीय जनता पार्टी को निर्वाचन विभाग ने 100 सीटों पर आगे दिखाया है। दूसरी तरफ कांग्रेस को 78 सीटों पर, भारतीय आदिवासी पार्टी 3 सीटों पर, बहुजन समाज पार्टी बसपा 2 सीटों पर, सीपीएम 1 सीट पर और 9 सीटों पर इंडिपेंडेंट आगे चल रहे हैं। ये रुझान राजस्थान निर्वाचन विभाग के द्वारा जो सीओ राजस्थान है उनके द्वारा जारी किया गया है, जिसमें 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे, दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो 78 सीटों पर आगे और भारतीय आदिवासी पार्टी जो है वो 3 सीटों पर, बसपा 2 सीटों पर, सीपीएम 1 सीट पर और 9 सीटों पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं। 7वां राउंड पूरा होते होते रुझान जो है लगातार ब्रेकिंग और अपडेट आप दे रहे हैं लवली, लेकिन इलेक्शन हब में, काउंटिंग हब में हमारी सहयोगी श्रुति भी मौजूद है। श्रुति, आपके पास क्या बड़ी जानकारी और खबरें आ रही है इस वक्त? अपडेट आपको बताते चलें कि सीपी जोशी जो कि नाथवाड़ा से थे पीछे नजर आ रहे हैं। वैशाली बताएंगे कि विश्वराज सिंह चौहान मेवाड़ कितनी सीटों से पीछे हैं। वैशाली, वैसे तो अभी वोट की काउंटिंग इसमें पता नहीं चली है, मगर ये पता चल गया कि सीपी जोशी अब पीछे हो गए विश्वराज सिंह मेवाड़ से। ठीक है, और हमारे पास और भी अपडेट्स हैं। ओशियान से बात कर लेते हैं, अभी कौन लीड कर रहा है? दिव्या मदेरणा फिलहाल पीछे नजर आ रही है। भैरवराव चौधरी इस टाइम लीड कर रहे हैं ओशियान से, और तारानगर से नरेश बुढ़ानिया लीड कर रहे हैं। उनका दबदबा शुरू से देखने को मिल रहा था। अलका जी, एक मैं चाहता हूँ एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहता हूँ। शहर की सीट अगर माने, जयपुर के आसपास की आमेर सीट को ले लेते हैं और चौमू को ले लेते हैं, ये कैसे फंसी हुई है, कांटे की टक्कर ये कैसे आ गई है? देखिए इसमें भी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, बट अल्टीमेटली ये दोनों सीटें बीजेपी के खाते में ही जाने वाली है। अभी सिर्फ अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, कभी कोई आगे लेकिन बड़ी तेजी से बदलाव हो रहा है। और क्या आपको ये इस बात का अंदाजा था कि सतीश पूनिया को भी इतनी कड़ी टक्कर मिल सकती है, रामलाल शर्मा को इतनी कड़ी टक्कर मिल सकती है? देखिए रामलाल जी 3 बार MLA रह चुके हैं, तो थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी टाइप आ सकता है, बट अल्टीमेटली वो सीट निकाल लेंगे। पूनिया जी भी की सीट पे निकलनी ही है, लेकिन कई राउंड्स ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से वो हो सकता है पीछे गए होंगे, बट अल्टीमेटली पूनिया जी और रामलाल जी नेक्स्ट विधानसभा में छोड़कर तारानगर का जो फैसला है वो भी हमारी विधायक जीत के आएंगे। और बहुत अच्छी बात है, सभी मतदाताओं का मैं धन्यवाद देती हूँ, विद्याधर नगर के मतदाताओं का, कि आपने मुझ पर इतना भरोसा किया। मैडम, राजस्थान जो है विद्याधर नगर हॉट सीट बना हुआ है, सबकी टकटकी लगी हुई, आपके कार्यकर्ताओं का जोश किस तरीके से है और जो वोट है उनमें सबसे आगे इस वक्त जयपुर की सीटों की बात करें तो केवल विद्याधर नगर है? वैसे तो अभी मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा आगे ही है, और बिल्कुल बहुत ये तो मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेड भी था, और कार्यकर्ताओं ने मेहनत बहुत की, जनता में उत्साह था जो अब सामने आ रहा है, दिख रहा है पूरे राजस्थान में, दिख रहा है। बनने जा रही है मैम बीजेपी की सरकार? बिल्कुल बनने जा रही है। कितनी सीटें मान रही हैं आप? आई थिंक 130 से ज्यादा। आपके जो जीत होने जा रही है, जैसा कि अभी वोटों की गिनती चल रही है, कितने वोटों से आगे बढ़त बनाई हुई है, आपने विश्वास होगा आप में? जी बिल्कुल 50,000 प्लस होपफुली, बट देखते हैं। तो देखिए 50 का जो है अंतर पार करने का दावा है। दिया कुमारी जी इस वक्त जा रही हैं हमारे साथ, यहाँ थी, मौजूद थी, उन्होंने मतगणना केंद्र का जायजा लिया है और अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर के उनकी हौसला अफजाई की है कि जो कार्यकर्ता दिन रात जुटे रहे, उनसे बातचीत की और उसके बाद में उनकी हौसला अफजाई करने के बाद में दिया कुमारी जो है वो जा रही है। जानकारी देते हुए कि राजसमंद से अगर सांसद हैं दिया कुमारी तो चारों विधानसभा सीटों से बीजेपी बढ़त बनाई हुए थी और विद्याधर नगर सीट से तो बढ़त बनाए हुए हैं, और जो आज 8 बजे जब काउंटिंग की शुरुआत होती है पोस्टल बैलेट के जरिए तो सबसे पहला रुझान विद्याधर नगर सीट का दिया कुमारी का ही आता है, ये क्या दर्शा रहे हैं संकेत?
चेंज होता है राजनीति के अंदर। और सबसे पहला रुझान जब मैं 8 बजे लिखाने के लिए गया, तब सबसे पहले जब पोस्टल बैलेट को खोला गया था विद्याधर नगर के, तो उनकी संख्या को देख करके अंदाजा लग गया था कि दिया कुमारी आगे हैं और आगे ही रहेंगी। और आप देखिए 7वें राउंड तक लगातार दिया कुमारी बढ़त बनाए हुए हैं और ये बढ़त लगातार बढ़ती जा रही है। 7वें राउंड की मतगणना के बाद में दिया कुमारी यहां पहुंची है, उन्होंने मतगणना केंद्र के अंदर तमाम जो बूथ एजेंट है उनसे मुलाकात की है, जायजा लिया है और दावा करके गई है वो न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कि 50,000 से ज्यादा वोटों से वो अपनी जीत भी तय करेंगी और 135 से ज्यादा सीटें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जो है वो लेकर के आएगी और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बनाने का दावा जो है वो दिया कुमारी करके गई है। तो कुल मिलाकर के संकेत कई सारे हैं। सबसे पहले दिया कुमारी को सवाई माधोपुर भेजा गया लोकसभा से, फिर राजसमंद भेजा गया और अब विधानसभा चुनाव में एंट्री हो रही है दिया कुमारी की। जबकि दिया कुमारी जब राजनीति में आई थी तो उनकी पहली इच्छा जो थी वो विधानसभा चुनाव लड़ने की थी, लेकिन संगठन ने उन्हें एमपी का इलेक्शन लड़ाया सवाई माधोपुर के रास्ते, वो राजसमंद होते हुए अब जयपुर पहुंची हैं और जयपुर में विद्याधर नगर की जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से विद्याधर नगर के आंकड़े जो हैं वो कहां की तरफ बढ़ रहे हैं। जी रविंद्र जाकिर गैसावत आगे चल रहे हैं, लेकिन देखिए इस वक्त जो टैली दिखाई दे रही है आपको नीचे, उसमें थोड़ा सा बदलाव हमने इस लिहाज से किया है कि अब आपको ये भी पता चलता रहेगा इस टैली में कि कौन सी सीटें किस पार्टी ने जीत ली है और किस पर प्रत्याशी उनके आगे चल रहे हैं। बताता हूं 108 पर अगर बीजेपी बढ़त बनाए हुए तो 108 पर बढ़त बनाए हुए आगे उनके प्रत्याशी और भी जीते, यानी रिजल्ट अभी कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है। 74 पर कांग्रेस के प्रत्याशी इन रुझानों में आगे चल रहे हैं, जब जीतेंगे तो ये फ्लिप करता हुआ फिर उसके ये थोड़ा सा बताने का यहां पर मकसद था। अरबाज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और अरबाज के साथ महेश दाधीज भी हमारे सहयोगी हैं। अरबाज बताइए कांग्रेस के और बीजेपी के और बाकी राजनीतिक दलों की जयपुर जिले की सीटों का क्या हाल है? देखिए जयपुर में जो फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट है कि जो राजवर्धन सिंह राठौड़ अभी तक पिछड़े हुए थे जोटवाड़ा सीट पर, फिलहाल उन्होंने ताजा आंकड़ों के अंदर थोड़ी बढ़त बना ली है और अभिषेक चौधरी जो कि एक युवा उम्मीदवार उनको टक्कर दे रहे थे वो फिलहाल पिछड़ गए। और यहाँ पर जो है राकेश शर्मा हमारे साथ में मौजूद हैं जो कि जोटवाड़ा सीट का अपडेट लेकर के आए हैं। क्या अपडेट है जोटवाड़ा का? बिल्कुल देखिए, जोटवाड़ा सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी क्योंकि वहां पर जो है भाजपा के प्रत्याशी कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ जो कि सांसद भी हैं उस क्षेत्र से, पहले जब जो 6 राउंड के दौर थे तब लगभग कांग्रेस 8,000 से ज्यादा मतों से लीड कर रही थी, लेकिन जब अब जब 12वां राउंड आया है तो कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो 1,321 मतों से आगे। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान इस खबर को ब्रेक कर रहा है क्योंकि मतगणना स्थल पर जो अंदर से पेटियां काउंट की गई हैं उसमें बीजेपी झोटवाड़ा सीट से पहली बार आगे आई है और अब चूंकि शहरी इलाके की जो मतपेटियां हैं वो खुलेंगी तो कितनी खुलेंगी? अभी तक लगभग 12 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है, 14 राउंड की मतगणना होना बाकी है। तो अभी बाकी बगरू को लेकर के अपडेट लेकर के यहाँ पर आए हैं लोकेश हमारे साथी, क्या अपडेट है बगरू का? बगरू विधानसभा सीट पर जो है मतगणना के 6 राउंड पूरे हो चुके हैं और जो है कांग्रेस की गंगा देवी जो है दूसरे राउंड में ही जो है मतगणना स्थल छोड़कर चली गई थी। केला शर्मा जो है 6 राउंड के बाद जो है 18,013 वोटों से लगातार आगे चल रहे हैं, हर राउंड में उन्होंने बढ़त बनाई है और वो लगातार आगे बने हुए हैं। अब फिलहाल जो है इसमें जो राउंड और बाकी है, अब इसमें कुल 23 राउंड पर जो है 23 राउंड में जो है पूरी मतगणना होगी, 6 राउंड पूरे हो चुके हैं इसमें और जी बिल्कुल 6 राउंड हो चुके हैं। क्या अपडेट है दूदू? मैं अपडेट देना चाहूंगा कि दूदू जो विधानसभा सीट है जहां पर कि मुख्यमंत्री के सलाहकार बाबूलाल नागर सुबह सुबह काफी उखड़े हुए दिखाई दे रहे थे वहां से निकल गए, उनका जो है यहां पर वोट का अंतर काफी बढ़ गया, अब 18,000 वोटों के अंतर से जो है वो पिछड़ रहे हैं। प्रेमचंद बेरवा ने यहां पर बढ़त बना ली। सांगानेर एक बड़ी हॉट सीट भी है जिसे कहा जा सकता है, जहां पर कि नए चेहरे के तौर बीजेपी के महामंत्री को उतारा गया यहां पर और भजनलाल शर्मा अब 8,000 वोट से आगे चल रहे हैं। पुष्पेंद्र भारद्वाज यहां पर पिछड़े हुए हैं। आदर्श नगर में आमेर में भी प्रशांत आगे चल रहे हैं बताया जा रहा है और सतीश पुनिया को उन्होंने पछाड़ बिल्कुल दोनों के बीच में एक टक्कर बनी हुई है। एक राउंड में जो है सतीश पुनिया आगे आए थे तो दूसरे राउंड में प्रशांत ने जो है अपनी बढ़त वहां पर बना ली। आदर्श नगर की मैं बात करूं तो 23,000 की जो लीड है वो यहां पर रफी खान की होती हुई नजर आ रही है। 6 राउंड यहां पर पूरे होने जा रहे हैं और 6 राउंड के अंदर आदर्श नगर विधानसभा में रफी खान जो है वो आगे यहां
पर चल रहे। कोटपुतली की भी मैं बता देना चाहूंगा, जो यहाँ पर जानकारी आई है, चार राउंड की यहाँ पर मतगणना पूरी हुई है और चार राउंड में बीजेपी की जो हंसराज पटेल है वो यहाँ पर आगे चल रहे। तो यहाँ मंत्री जो है अपने राजेंद्र यादव, जिनके यहाँ छापे पड़े थे इनकम टैक्स और ईडीबी के, वो काफी चर्चा में रहे थे, वो पिछड़ गए। बिल्कुल, उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर और गृह राज्य मंत्री के तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी गहलोत सरकार में निभा रहे थे और उनके सामने यहाँ पर बीजेपी के हंसराज पटेल हैं। चार राउंड की मतगणना में वो यहाँ पर आगे चलते हुए दिखाई दे रहे। 5518 वोट से इस समय में बढ़त बनाए हुए हैं। मंत्री समेत जो दिग्गज हैं उनके अभी कहीं ना कहीं जो है पसीने छूटे हुए हैं। कुछ भी जो है हो सकता है, अभी राउंड काफी बाकी है। अगर 20-20 राउंड कितने करीब औसत 50% हो चुका है मामला या कितना 40%? देखिए अभी कुछ जगहों पर 50%, क्योंकि जैसे मैं दूदू से अभी जो अपडेट लेकर के आ रहा था तो उसमें 19 राउंड की मतगणना है और वहां पर अभी जो है करीब करीब 9 जो राउंड है वो पूरे होने जा रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है अभी आधी मतगणना तो है वो पूरी नहीं हुई है। 30 से 40% मतगणना अभी आप बिल्कुल रोशन आए कुछ नया अपडेट। देखिए जो कोटपुतली सीट है उसके ऊपर 6 राउंड की अब तक जो अपडेट जो आ रहा है वो गणना पूरी हो गई है और उसमें जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं हंसराज जो पटेल हैं वो 3425 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए सबसे होट सीट जो हवा महल की सीट है उसके ऊपर आरआर तिवारी, देखिए आरआर तिवारी और बाल मुकुंदाचार्य में इस जो टक्कर थी उसमें कहीं ना कहीं जो आरआर तिवारी है वो करीब 4816 वोटों की लीड यहां पर है। हालांकि 7वीं और 8वीं राउंड के अंदर जो बाल मुकुंदाचार्य है उन्होंने बढ़त यहां पर बनाई है। वहीं कालीचरण सराफ की बात करें मालवीय नगर जो सीट है जयपुर की, यहां पर तस्वीर बताते हुए हमारे सहयोगी संवाददाता और पल पल की जानकारी आपको देते हुए 199 सीटों की अभी का हाल अगर देखें, मेरी सहयोगी पल्लवी जुड़ चुके हैं। पल्लवी ये रुझान क्या बता रहे हैं इस वक्त? ये रुझान तो यही बता रहे हैं कि बीजेपी को बढ़त मिल रही है और बीजेपी इस बात से रविंद्र गदगद भी है। पार्टी कार्यालय पर लगातार जो है मिठाइयां बांटी जा रही है और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें कि राजवर्धन सिंह राठौर 1321 वोटों से अभी के लिए आगे चल रहे हैं और ये जो काउंटिंग है लगातार जारी है। बीजेपी प्रत्याशी 12वीं राउंड में पहली बार आगे पहुंच चुके हैं। राजवर्धन सिंह राठौर 1321 वोटों से आगे चल रहे हैं। जो रुझानों में रविंद्र पीछे चल रहे थे, अब जैसे जैसे मतपेटी खुलती जा रही है काउंटिंग का सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। अब राठौर ने ली हुई क्योंकि अभिषेक चौधरी एक बड़े मार्जिन से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे और झोटवाड़ा में बीजेपी का कांग्रेस का कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। और फिलहाल जो अभी 12वें राउंड की गिनती हुई है तो इन 12 राउंड में पहली बार राज्यवर्धन सिंह राठौर 1321 वोटों के मार्जिन से आगे बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 109 बीजेपी, 72 पर कांग्रेस और 18 यानी डेढ़ दर्जन के आसपास अन्य जिसमें निर्दलीय भी शामिल है और दूसरी तरफ इसमें बाकी जो क्षेत्रीय दल है उनके भी प्रत्याशी आगे बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। रिवाज तो बदलता हुआ या यूं कहें कि रिवाज तो कायम होता हुआ दिखाई दे रहा है निरंजन जी, लेकिन रिवाज ये भी कायम दिख रहा है कि जो अन्य की मात्रा होती है वो भी अच्छी खासी है। निश्चित रूप से देखिए रविंद्र जी, अगर बात करें अन्य की तो जो बंदा जो भी व्यक्ति जनता के साथ कनेक्ट करेगा जनता उसको निश्चित रूप से प्रेम करेगी। लेकिन यहां पे अगर मैं इन परिणामों की बात करूं रविंद्र जी, तो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि लोगों के मन के अंदर भरोसा, और अगर भरोसे की बात करें तो देखिए जिस तरीके से पिछले कुछ समय से एक बहुत बड़ा र्यूमर बनाया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा फैल हो गया है और अब जनता ऐसे हो गया है, या जिस तरीके से जनता को विचलित किया जा रहा था, आज रविंद्र जी इस चीज का जनता ने जवाब दे दिया। जैसे रामायण के अंदर एक चौपाई है ना, निर्मल मन जन सो मोहि पाव मोहि भावा मोहि कपट सल छिद्र न भावा। तो यहां पे जिस तरीके से इन्होंने मान लीजिए किसानों का ऋण माफ करने की बात करी थी लेकिन उसके अंदर नीचे कंडीशन अप्लाई कर दी और उसके चक्कर में अब ऐसे बेरोजगारी भत्ता भी कहने कहा था देंगे जी, बेरोजगारी भत्ते की बात, बेरोजगारी भत्ता भी मैं बता रहा हूं नीचे छोटा सा लिख देते हैं ना कि कंडीशन सप्लाई। तो उसी तरीके से तो देखिए जनता ने जब ये देखा कि भाई जब 19,000 किसानों की जमीनें कुड़क हो सकती है तो ये जिस तरीके से 450 रुपए का 400 रुपए का सिलेंडर की बात कर रहे या तमाम ओपीएस की बात कर रहे, सबसे बड़ी बात क्या है कि ओपीएस ये अपने ही चीज को दोहरा मापदंड, कैसे भरोसा होगा रविंद्र जी? ओपीएस से एनपीएस लाया कौन? वो ही यूपीए की सरकार 2006 के अंदर इन्होंने एनपीएस लागू किया था। आज ये कह रहे हैं कि नहीं ओपीएस, जो कांग्रेस कहती थी कि जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे इंदिरा जी की बात पे, और आज वही कांग्रेस कह रही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो आपके मुताबिक ने यहाँ पर जवाब दिया है, लेकिन अलका जी मैं आपसे जानना चाहूंगा जवाब शाम होते होते आपको देना होगा
जब कांग्रेस की तरफ से पूछा जाएगा या सवाल उठाए जाएंगे, क्योंकि अगर हम अभी रुझान मध्य प्रदेश के देखें, छत्तीसगढ़ के देखें, राजस्थान के देखें, बीजेपी बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है, तो फिर कहा जाएगा कि ईवीएम, तो उसका जवाब क्या होगा? ठीक है, ये तो परमानेंट मैंने शुरुआत में ही पूछा था यहाँ जो कांग्रेस की मोहतरमा बैठी हुई थी कि अभी आप बोल रही हैं लेकिन एंड में आप ईवीएम पर ही चार्ज लगाएंगी, ये बात मैंने उस वक्त भी की थी। ये ईवीएम का ही रोना रोते हैं, जीतते हैं तब ईवीएम ठीक काम करती है।